नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका, और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की, और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। बाकी बचे हुए दो चरणों के लिए तेज हुआ प्रचार, प्रधानमंत्री की आज भी धुआंधार रैलियां। उत्तर प्रदेश के बस्ती और श्रावस्ती के बाद दिल्ली के द्वारका में करेंगे चुनावी जनसभा। भाजपा के दिग्गजों ने भी अलग अलग राज्यों में संभाली कमान। जेपी नड्डा और अमित शाह की पश्चिम बंगाल में रोड शो और जनसभाएं। राजनाथ सिंह हरियाणा में करेंगे प्रचार। मोहन यादव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान झारखंड में करेंगे जनसभाएं। विपक्ष ने भी झोंकी प्रचार में पूरी ताकत। राहुल गांधी हरियाणा में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड में करेंगे जनसभा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में तो तेजस्वी यादव बिहार में करेंगे प्रचार। दिवंगत राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक व्यक्त करने ईरान जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पवित्र शहर मशहद में शुरू हुई अंतिम संस्कार की तैयारियां। गुरुवार को दी जाएगी रईसी को अंतिम विदाई। मौसम की खबरों में, देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भीषण लू का कहर जारी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक जारी रहेगी हीट वेव। दक्षिण भारत की ओर बढ़ा मानसून, 4 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। खेल की खबरों में, कोलकाता नाइट राइडर्स पहुंची आईपीएल 2024 के फाइनल में। सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। वहीं एलिमिनेटर राउंड में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। और चलिए, ये थी तमाम सुबह की सुर्खियां, और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बस्ती और श्रावस्ती में आज जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सुबह करीब 12:30 बजे बस्ती के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में बस्ती संत कबीर नगर व डुमरियागंज लोकसभाओं की संयुक्त जनसभा को आज संबोधित करेंगे। इसके बाद में दोपहर में करीब 2:30 बजे श्रावस्ती एयरपोर्ट के सामने कटरा बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरियागंज और श्रावस्ती की सीटों पर 25 मई को अगले चरण में मतदान होना है। वहीं यूपी की जनसभाओं को संबोधित करने के बाद शाम 6 बजे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में रैली करते हुए नजर आएंगे और मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। और वहीं आगामी 2 चरणों के चुनावों के लिए तमाम पार्टियों ने अब चुनाव प्रचार भी तेज कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अमित शाह कांथी में रैली करेंगे। वो यहां पर से बीजेपी के उम्मीदवार सुमेंदु अधिकारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद घाटल में बीजेपी उम्मीदवार हृदय चटर्जी और पुरुलिया से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह बांकुरा में बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सरकार के समर्थन में भी रोड शो करते हुए आज नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा हावड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद जेपी नड्डा कोलकाता में रैली करते हुए नजर आएंगे। और वहीं लोकसभा चुनावों का दंगल 6ठे दौर में पहुंच चुका है, और हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए तमाम पार्टियों के बीच चुनावी दंगल तेज हो गया है।
बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह हरियाणा में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। सबसे पहले राजनाथ सिंह करनाल में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद कुरुक्षेत्र और भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी की अन्य रैलियों की अगर हम बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा धनबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ढुल्लू महतो के समर्थन में बोकारो में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धनबाद में जनसभा करेंगे। शिवराज सिंह चौहान गोड्डा में रोड शो और रांची में युवा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्या रांची में मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल होकर इसके साथ ही जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव के बाकी 2 चरणों के लिए विपक्षी इंडी गठबंधन भी ने भी पूरी ताकत इन दिनों झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। वो चरखी दादरी भिवानी महेंद्रगढ़ और सोनीपत में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी झारखंड के रांची और गोड्डा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। प्रियंका के साथ जनसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव बिहार में जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ईरान का दौरा करेंगे। दरअसल वो ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए तेहरान में होने वाले आधिकारिक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजकीय समारोह में ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और अन्य ईरानी अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पवित्र शहर मशहद में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गुरुवार को ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को अंतिम विदाई दी जाएगी। ईरानी राष्ट्रपति के निधन पर मंगलवार 21 मई को भारत में भी राष्ट्रीय शोक रखा गया था। और अब आगे बढ़ते हुए बात अब मौसम की कर लेते हैं, जहां राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव, कोमोरिन क्षेत्र और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। साथ ही अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर बात दिल्ली की करें तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है, और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। और चलिए अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान भी लगातार भीषण गर्मी की चपेट में है। भीषण गर्मी के कारण प्रशासन ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा परीक्षा टालने और अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। कुछ इलाकों में दिन का तापमान 50 डिग्री से भी पार होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं स्थानीय मीडिया के अनुसार तापमान सामान्य स्तर से 8 डिग्री तक बढ़ रहा है। पाकिस्तान में यह लगातार 3रा साल होगा जब तापमान 50 डिग्री से ऊपर जा रहा है, जिससे मानव और पशुओं को खतरा पैदा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात अमेरिका की, जहां कई इलाकों में मौसम की मार जारी है। दरअसल अमेरिका के ओमाहा, नेब्रास्का में भीषण तूफान के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं। भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के बाद कई कारें पानी में फंसी हुई नजर आई। 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफान के बाद बिजली भी गुल हो गई, जिसमें हजारों निवासियों की बिजली चली गई।
और चलिए अब बात खेलों की करेंगे, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बीते कल हुए मुकाबले में कोलकाता ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर में 169 रन बनाए। जवाब में केकेआर ने 13.4 ओवर में ही 2 विकेट पर 164 रन बनाकर मैच जीत लिया। कोलकाता के लिए श्रेयस ने 24 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 58 रन बनाए। तो वहीं वेंकटेश अय्यर ने 28 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 51 रन की पारी खेली। कोलकाता की टीम चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है और इससे पहले ये टीम 2012, 2014 और 2021 सीजन के खिताबी मुकाबले में भी पहुंची थी, जिसमें से 2 बार ट्रॉफी अपने नाम करने में भी सफल रही है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।